सब्सक्राइब कीजिए लुकेश टेक को, दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने हार्ड ड्राइव को आप बिना फॉर्मेट किए पार्टीशन कर सकते हैं और अपने पार्टीशन रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। फाइल एक्सप्लोरर में चले जाने के बाद आप यहाँ पे आपको दिस पीसी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे से जाना है मैनेज में। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज में। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे एक नया टैब आपको ओपन दिखेगा, डिस्क मैनेजमेंट, सॉरी कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको ये स्टोरेज जो दिख रहा है, यहाँ पे एक टैब है, स्टोरेज में जाकर आपको डिस्क मैनेजमेंट में आपको जाना है। इस डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने सारे हार्ड ड्राइव के जो है हेल्थ स्टेटस, सारे साइज, सारा स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपका है डिस्क ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव है आपको वो ये है। इसमें ये है सिस्टम रिजल्ट, जो आपका ये सी ड्राइव है, और जो ये मेन जो सिस्टम रिजल्ट जो है आपका मेन ड्राइव है जो कि अपने, और ये जो है आपका सी ड्राइव है। तो इस सी ड्राइव में ये जो है आपका, इसमें सारा आपका जो प्राइमरी पार्टीशन है और जो इसमें आपका जो सारा जो है हेल्थ बूट पेज फाइल क्रैश डम, ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है जो कि है में। और जो साइड में जो जो सिस्टम रिजल्ट लिखा हुआ है, सिस्टम का रिजल्ट क्या हो गया है, प्राइमरी पार्टीशन, इसमें सिस्टम फाइल जो है आपका रहा होता है। तो इसमें आपका आपको जाना है राइट क्लिक करके, वो क्लिक करना है श्रिंक में। श्रिंक में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है थोड़ी देर में एक सिंक पेज आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपने हार्ड ड्राइव को आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने हार्ड ड्राइव के को पार्टीशन कर सकते हैं बिना फॉर्मेट किए। तो थोड़ी देर में ये जो है एक नया टैब ओपन होगा, जहाँ से हम देख सकते हैं नया टैब भी ओपन हो चुका है। यहाँ से आपका जो टोटल जो साइज़ आपका हार्ड डिस्क है, जो टोटल साइज आपको बता रहे हैं बिफोर सिंक इन MB, ये दिया है टोटल साइज बिफोर सिंक इन MB, वो दिया हुआ है आपका 6938 जो MB में दिया हुआ है। नीचे जो है साइज ये अवेलेबल किया है सिंक स्पेस करने के लिए इन MB में, वो जो नीचे दिया हुआ है। तो आपको जो लास्ट में जो है एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू सिंक इन MB, इसमें आपको उस अमाउंट को डालना है जितना MB जितना आपको हार्ड ड्राइव पार्टीशन चाहिए, एक नया ड्राइव आपको पार्टीशन चाहिए जितना MB का, तो उस साइज का आपको यहाँ पर डाल देंगे जितने MB साइज का आपको पार्टीशन चाहिए नया, जिसमें कि आप अपने जो भी फाइल्स हैं आपको जो भी रखने हों तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, हम इसे पार्टीशन को बना लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं जैसे सपोज 5000 MB का हमें जो चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5000 MB हमें सेलेक्ट कर लिया, और इसे हम ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद थोड़ी देर में हमें यहाँ पे अनअलोकेटेड हार्ड ड्राइव जो है पार्टीशन यहाँ पे मिल जाता है। अनअलोकेटेड पार्टीशन ही है जो हमारा नया जो पार्टीशन है हमारा हार्ड ड्राइव का। तो इस अनअलोकेटेड पार्टीशन को हम जो है इसे हम ड्राइव में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी जो है अनअलोकेटेड पार्टीशन जो आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि अनअलोकेटेड पार्टीशन जो है सिस्टम ज़्यादा शो नहीं करता है। ये पार्टीशन शो करने के लिए इसे हमें राइट क्लिक करना होगा और न्यू सिंपल वॉल्यूम में हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसे हमें वॉल्यूम का एक नाम देना होगा और वहाँ से इसे असाइन करना होगा, जिससे कि ये जो हार्ड ड्राइव है हमें शो करे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्क साइज MB दिया हुआ है। तो इसमें जो है 499 हमें 5000 सेलेक्ट किया है, 1 MB जो इसमें कम बता रहा है, जो कि सिस्टम की पार्टीशन द्वारा रिजर्व कर लेता है। इसमें हमें क्या लेटर दे रहा है नाम, अपने हिसाब से आप लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं किस लेटर का आपको ड्राइव देना है। तो यहाँ पे जो ई जो है यहाँ पर डिफॉल्ट सेलेक्ट है, तो यहाँ से आप इसे चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप A to Z जो सारा इसमें ऑप्शन देता है, तो पहले से ही आपका ड्राइव का नाम है उसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी अलग से आप नहीं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पार्टीशन का ऑप्शन दिया है। बिना फॉर्मेट के आपका ड्राइव जो यूजेबल नहीं रहता है, तो आपको फॉर्मेट करना जरूरी है। तो ये आपका हार्ड ड्राइव का जो जो डिफॉल्ट रहता है वो NTFS फॉर्मेट में होता है। NTFS फॉर्मेट में ही आपका जो है विंडोज़ में आपका जो है ड्राइव जो वर्क करता है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम का नाम लेबल कर देंगे, यानी कि उसमें नाम दे देंगे आप जो भी, मैंने यहाँ पर डाटा लिख दिया है
बाकी एन टी एफ एस है एलोकेशन यूनिट साइज जो डिफॉल्ट रहेगा। तो परफॉर्म है क्यूक फॉर्मेट आपको टिक रहना चाहिए और फिर फिनिश करके यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो इस सारा जो है आप देख सकते हैं यू एस सक्सेसफुली कम्प्लीटेड न्यू सिंपल वॉलिंग विजार्ड यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे फेस में क्लिक कर देंगे, फेस में क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में आपको जो है हार्ड नहीं हुआ हार्ड डिस्क पार्टीशन जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में हमारा जो है पार्टीशन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पार्टीशन जो बन चुका है पूरी तरीके से, हमारा जो है प्राइमरी पार्टीशन जो है हेल्थी कंडीशन पे है। अब आप जाएँ तो इसमें जो है कोई भी अपना डेटा फाइल्स जो है आप रखना चाहते हैं इस साइज में आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये हार्ड ड्राइव जो है कैसा दिखता है यहाँ पर आपके फाइल में। तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा वो डेटा पार्टीशन जो हमने अभी बनाया है, वो इस प्रकार से आप देखो दिखते हैं जो बाकी आपके सी ड्राइव के जैसा है और दूसरे ड्राइव के जैसा ही है। तो दोस्तों तो इस प्रकार से आप अपने पार्टीशन को बना सकते हैं। अगर अब आप इसके बाद चाहते हैं कि अपने पार्टीशन को रिकवर करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि जो पार्टीशन पहले से बना हुआ है उसे आपको अपने दूसरे ड्राइव में या फिर सी ड्राइव में दूसरे ड्राइव में आपको मर्ज करना चाहते हैं उसे, या फिर दूसरे साइज के एक्सटेंड करके आपको पूरे दूसरे पार्टीशन को आप उसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप कुछ चाहते हैं तो ये भी आपका इसे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा आगे वीडियो देखना होगा। तो इसके लिए आपको सेम वो जो पार्टीशन आपने किया है जिसे पार्टीशन को आपको करना है तो उसे आपको करना होगा डिलीट वॉल्यूम। डिलीट वॉल्यूम करने के बाद आपका जितना भी डाटा है उस ड्राइव में आप वो डिलीट हो जाएगा। तो उसके पहले आप उसे सिक्योर कर लें, आप उसे कहीं पे कॉपी कर लें, उसका बैकअप बना लें, तभी आप इस डिलीट वॉल्यूम को आप सेलेक्ट करें, तभी आप डिलीट करें उस पार्टीशन को डिलीट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। लिखा हुआ है डिलीट दिस वॉल्यूम एज ऑल डाटा ऑन इट बैकअप एनी डाटा डू यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अनलोकेटेड हो जाता है आपका पार्टीशन। अनलोकेटेड होने की वजह से आपको जितने भी डाटा सारे उड़ जाते हैं आपके पार्टीशन वहाँ से डिलीट हो जाता है, जो कि आपके हार्ड ड्राइव के फाइल मैनेजर में आपको शो नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको अनलोकेटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको जिस ड्राइव में आपको पार्टीशन बढ़ाना है, पार्टीशन की साइज बढ़ानी है, हार्ड डिस्क का साइज बढ़ाना है, वहाँ पर आपको जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको क्लिक करना है एक्सटेंड वॉल्यूम में। एक्सटेंड वॉल्यूम में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे जो जिस ड्राइव का आपको पार्टीशन को वहाँ पे जितना जो साइज है उसमें जितना पार्टीशन को आपको बढ़ाना है एक्सटेंड करना है उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो पार्टीशन एक्सटेंड हो चुका है और जो पार्टीशन हमने किया था वापस मिल रहा है। ऐसे आप किसी भी पार्टीशन को वापस रिकवर कर सकते। तो आपने इसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।